अवैध पॉलीथीन विक्रेताओं पर नगरपालिका प्रशासन की कार्रवाई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख के निर्देशन में कार्रवाई हुई। अभी कुछ दिन पूर्व नवरात्रि को लेकर तहसील परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनहित को लेकर कई विषयों पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा नवरात्रि पर्व के दौरान जो भंडारों का आयोजन होता है उनमें खाद्य सामग्री को परोसने के लिए दोना पत्तल एवं कागज से बनी सामग्री का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिसमें जो दुकानदार अवैध रूप से सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का विक्रय कर रहे थे उन दुकानदारों पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख के निर्देशन में नगरपालिका प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकानदार मन्नत कॉम्प्लेक्स में प्रोप्राइटर अनिल मंगलानी द्वारा अवैध प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। उक्त दुकानदार पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पॉलिथीन मटेरियल जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख ने बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार उक्त कार्रवाई की गई है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करता पाया जाएगा उस पर वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख के साथ जयंत ब्राउन, प्रमोद चौहान, संजय सेन और नगरपालिका कमला मौजूद रहा। एक्चुअल में क्या है कि हमें हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि मन्नत कॉम्प्लेक्स में एक व्यापारी है जो इस प्रकार के प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री, कटोरियां, प्लेट्स और जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित है ऐसी सामग्रियों का विक्रय कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पर आके कार्रवाई की तो हमें जो जानकारी मिली थी वो सही पाई गई। उसके पश्चात जब हमने इनकी दुकानों का और सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तब हमें ये पता चला कि इनके पास तो भारी मात्रा में पॉलीथिन भी है जो 50 माइक्रोन से कम की है। इस आधार पे आज हमने नगरपालिका प्रशासन और हमारी टीम ने इसकी आज कार्रवाई करी है। पिछले दिनों जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, हमारे नगर के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम मैडम, एसडीओपी सर और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, सभी लोगों ने निर्देश दिए थे कि आगामी जो नवरात्रि का भंडारा होगा उसमें हमें इस प्रकार की जो प्लास्टिक की सामग्री है इनको उपयोग करने से रोकना है, और रोकने के पहले ऐसे विक्रेता और ऐसे व्यापारी जो इनको बेच रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। शांति समिति की बैठक में जो निर्देश नगर पालिका को प्राप्त हुए थे उसी निर्देश के आधार पर हमने आज कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि इस नवरात्रि के दौरान जो भी भंडारे जहाँ भी आयोजित किए जाएंगे वो पॉलीथिन और प्लास्टिक से मुक्त हों, और हम टोटल जो है इको ग्रीन जो हमारे प्रोडक्ट हैं और ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर फ्रेंडली हो, इन सब चीज़ों इन सब को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे हम सभी दुर्गोत्सव समितियों को। और मेरा निवेदन भी है सभी दुर्गोत्सव समितियों को कि अपने भंडारे में इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और साथ ही इनसे गंदगी बहुत होती है, फिर हमारी गौ माताएँ इनको खाती हैं और फिर उनसे उनको तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो सभी जो अपन शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी लोगों का सामूहिक निर्णय था कि इस प्रकार की विक्रेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।